सियासत भी जबरदस्त यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जब भारत बंद बुलाया गया है तो विपक्ष समर्थन दे रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री केजरीवाल आज वहां पहुंचे उसके बाद उन्होंने क्या कहा सुन। किसानों के संघर्ष में साथ आपको याद होगा कि शुरू शुरू में किसान तो केंद्र सरकार ने हमसे नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा पंजाबी भाई, नहीं पहुंचेगा चले सटा दबाव डाला गया चारों तरफ से, कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने भाई फोन हाथ नीचे करो, उनकी बात नहीं सुनी, नीचे करो हाथ, तुम्हें जरूरी नहीं याद रखें क्या, अपना हाथ नीचे करो बस। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह अभी पार्टी ने पहले से ही सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और आज तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सेवा का काम देखने के लिए आए थे, जो सेवा का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका निरीक्षण कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री। आप लोग के अंदर भी जा रहे हैं, किसानों से मिलने भी जा रहे हैं अंदर की यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने, खुश हैं वो, बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं, मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल, कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिकाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। और वहीं केंद्रीय कानून मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर ये कहते हुए निशाना साधा कि आज वो किसानों के बीच पहुंचे लेकिन दिल्ली सरकार ने भी गजट के जरिए इस कानून को लागू किया, तो उस दौरान आखिर किसानों के प्रति जो उनकी चिंता है वो कहां गई थी। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं किसान आंदोलन की एक अलग तस्वीर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सुर्खियों में है क्योंकि इसमें जिस तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं वो अपने आप में लाजवाब है। देखिए कुमार कुणाल की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। तैयारी पूरी है और तैयारी इस तरीके की है कि यहाँ पर अगर स्थितियां अपने अनुरूप ना भी हो तो भी किस तरीके से आप यहाँ पर रह सकते हैं उसकी पूरी तरह तैयारी है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये एक पूरी तरह से बदलाव करके ट्रैक्टर बनाया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें नई जमाने की वो जोड़ी गई हैं। हम आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ले जाते हैं ये दिखाने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ है। जैसे हम इस ट्रैक्टर के अंदर आते हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो नए जमाने के बदलाव है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एयर कंडीशन की भी व्यवस्था है, पूरा यहाँ पर एयर कंडीशन लगाया गया है और तमाम चीजें और भी बदलाव की गई है। और जो लोग हैं यहाँ पर, आप लोग कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से, उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर सितारगंज से आए। अच्छा, तो ये जो ट्रैक्टर, ये क्या खास आप लोगों ने बनवाया, ट्रॉली जो है ये खास बनवाई है इस प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे घरों में ये ट्रॉली है, ट्रॉली के लिए जब हमें पता लगा कि हमें यहाँ पर जाना है प्रोटेस्ट के लिए, तो जैसे हमारे घरों में ये प्लाई बची होती है, ये रेक्सिन, हमने इसको लगा लिया, ठीक हो गया जी, ये छत डलवाली। उसके बाद में हमें ये पता था कि ये आंदोलन बड़ा लंबा चलने वाला है, तो उस लिए हमने इसको एसी भी लगवा कर लाए हैं कि अगर ये आंदोलन मई जून तक जाता है तो उस समय गर्मी भी रहेगी, तो इस ट्रॉली में हमारे यहाँ काफी संख्या में लोग आए तो फिर हम यहाँ पर बैठ के अपनी मीटिंग भी तो एक लंबी तैयारी। ये एक अनूठा प्रयोग है क्योंकि प्रदर्शन में तरह तरह के बहुत सारे ट्रैक्टर और हजारों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।